हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रियलमी 8 की LCD लाइट के बारे में कि इसकी डिस्प्ले की लाइट कहां से कहां तक जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके डिस्प्ले कनेक्टर पर। ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है और ये वाली जो हमारी सप्लाई है, ये वोल्टेज की सप्लाई, यहाँ से कैपेसिटर दिया हुआ है। कैपेसिटर के बाद चलते हैं आगे और ये वाली जो सप्लाई हमारी LED एनोड की सप्लाई है, यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से चलते हैं फिर आगे। ये देखिए LED एनोड की जो सप्लाई है हमारी, वो ये कैपेसिटर के बाद हमारे ये लाइट IC में है। ये हमारी लाइट IC है। और ये हमारी वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से होती हुई, ये रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद यहाँ पे ये कैपेसिटर दिए हुए हैं। तो कैपेसिटर के बाद हमारा IC के इस वाले पॉइंट पर आती है। अब देखते हैं अगली सप्लाई। ये वाली सप्लाई हमारी वोल्टेज की सेकंड सप्लाई है, यहाँ से होती हुई। ये देखिए, यहाँ से ये रजिस्टर है। रजिस्टर के बाद कैपेसिटर दिया, कैपेसिटर के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद सीधा ये AC IC में है हमारी। अब देखते हैं LED कैथोड की सप्लाई। यहाँ से पिन गिन लेंगे आप, उसके बाद ये देखते हैं दोनों सप्लाई, ये यहाँ से होती हुई। ये इसकी सप्लाई में ये रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है बड़ा, उसके बाद ये सीधा हमारा IC में जाती है। और ये वाली सप्लाई हमारी सेकंड वाली, ये यहाँ से होती हुई, यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये IC में है सीधा इसकी सप्लाई। और ये जो सप्लाई है हमारी, ये देखिए, ये हमारी BPH पावर की सप्लाई है। यहाँ से ये कॉइल दिया हुआ है, कॉइल के बाद 3 कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बाद यहाँ पे भी एक कॉइल दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं आगे। ये देखिए, BPH पावर की सप्लाई हमारी, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद कॉइल है, कॉइल के बाद ये हमारा चार्जिंग IC में दिया हुआ है इसकी सप्लाई। ये देखिए, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।